हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 19 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसीदास ने रामचरितमानस भी पूर्ण किया था, इसलिए विवाह पंचमी का खास महत्व माना गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विवाह पंचमी का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विवाह पंचमी का महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का खास महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए विवाह पंचमी पर पूजन करना बहुत ही लाभदायक होता है। माना जाता है कि इससे विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, एक सुयोग्य साथी की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश रहता है या आपके वैवाहिक जीवन सुख में नहीं है, तो आपको विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और सीता माता की पूजा विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। अब जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा विधि। विवाह पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान के समक्ष श्री राम विवाह का संकल्प करें और एक चौकी पर आसन बिछाकर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित कीजिएगा, फिर तिलक करें और धूप दीप से विधि विधान पूर्वक पूजन शुरू करें। बालकांड में दिए गए विवाह प्रसंग का पाठ अवश्य कीजिएगा। विवाह पंचमी के दिन बालकांड में भगवान राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन रामचरित मानस का पाठ करना भी बहुत शुभ रहता है और इस दिन विवाह प्रसंग का पाठ करना भी शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस दिन रामचरित मानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत हो जाता है और पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है। अब जानते हैं विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त। विवाह पंचमी 18 दिसंबर रात 2:22 पर शुरू होगी और 19 दिसंबर दोपहर 2:14 पर पंचमी तिथि समाप्त होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए दोस्तों, जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।